ये चरित्र सदन के छात्र हैं। ये मां नवरात्रि के उपलक्ष्य पर आप नौ दुर्गा के रूप का वर्णन करने जा रहे हैं। देवता सर्वशक्तिमान होते हैं, लेकिन उनकी शक्ति को समय समय पर दानवों ने चुनौती दी। उनमें से एक था दैत्यराज महिषासुर। उसे वरदान मिला था, उसका वर किसी देव दानव या प्राणी से नहीं बल्कि एक स्त्री से होगा। महिषासुर ने इंद्र को परास्त कर स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लिया। जब देव देवता देवी के पास गए, तब देवता ने एक शक्ति का निर्माण किया तथा सभी देवताओं के तेज से देवी दुर्गा का निर्माण हुआ, और जिन्हें सभी देवी देवताओं ने अपने अस्त्र से सुसज्जित किया, और उनके नौ स्वरूप कुछ इस प्रकार हैं। प्रथम शैल पुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कात्यायनी चतुर्थकम्, पंचम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम काल रात्रि च, महागौरी अष्टमम, नवम सिद्धिदात्री च। महिषासुर मर्दिनी देवी आदि शक्ति का यह स्वरूप देवी ने महिषासुर का वध करने के लिए प्रकट किया था। सभी देवताओं की पुकार पर जब देवी महिषासुर से युद्ध करने गई, फिर देवी माँ और महिषासुर के बीच घनघोर युद्ध होने लगा और 10 दिनों तक ये युद्ध चलने लगा, जिसमें अंत में देवी की विजय हुई।